कैसा लगा यार थप्पड़ का गेम? ऐसे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग. इट्स मंडे टुडे, इट्स 9:20 इन द मॉर्निंग एंड इट्स पोरिंग हेविली इन मुंबई. लेट मी शो यू गाइज, मेरा तौलिया भीग रहा है. Look at that, just look at that. You see that? आंचल का फर्स्ट डे है उसकी नई जगह का जहाँ पर वो काम करने जा रही है. मेरा बहुत टाइम के बाद एक शॉर्ट फिल्म का शूट है 2 बजे, पर अभी हम लोग घर पे ही हैं. मुझे तो 2 बजे जाना है, आंचल अभी यहीं पर है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है. तो वो फ़ोन करके पूछ रही है कि आना है नहीं आना है, कि बॉम्बे में मतलब रोड्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो वैसा अगर कुछ सीन है, कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, आज से नहीं कल से आना है, तो वो सब चेक कर रहे हैं. अभी ब्रश व्रश करेंगे. मैं सोच रहा हूँ जिम जाने का, बट श्योर नहीं हूँ. बाकी नहाऊंगा वहाऊंगा. जागी, से गुड मॉर्निंग. से गुड मॉर्निंग. से गुड मॉर्निंग. इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. यू लाइक इट? कल जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर कराया अभी के साथ, वो फटाफट वो लोग घर पे आए थे क्योंकि कल संडे था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अपसेट था मैं. आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न होता है कभी कभी यू डोंट फील सो हाई, यू लाइक यू फील लो. तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ घर पे किया भी नहीं और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था. तो थैंकफुली एबी एंड सराम आ गए, तो मैंने उनके साथ क्वेश्चन आंसर कर लिया. तो कुछ था मेरे पास अपलोड करने के लिए. आज तो मैं सेट वेट पे जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मस्ती रहेगी. द ओनली थिंग आई वाज स्ट्रेस्ड अबाउट यस्टरडे कि यू नो मैं रोज़ डाल रहा हूँ और बाय इफ फॉर सम किसी वजह से अगर मैं नहीं डाल पाता हूँ तो दैट बी बैड. बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कंसिस्टेंसी बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज टू इट. लाइक सुबह उठते ही 9:20 पर भी कैमरा अपने सामने लगाना और बात करना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट आई एम गेटिंग यूज टू इट. तो करेंगे, कुछ करते हैं, जो भी करेंगे आपको अपडेटेड रखेंगे. हाँ, हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़. दोस्तों जैसे शूट होता है कभी सुबह सुबह होता है तो जल्दी ही उठना पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा शूट होता है कि दिन में 2 बजे जाना हो तब तो मुझे बहुत आलस आता है. फिर मैं पूरे दिन ऐसे इधर उधर लेटता रहता हूँ, कभी आगे हॉल में, कभी बेडरूम में, कभी सो जाऊँगा, कभी उठ जाऊँगा, कि बस टाइम पास होता रहे, मेरी एनर्जी बचती रहे, फिर मैं शूट पर जाके ही काम शुरू करूँगा. उसके पहले कुछ करूँगा ही नहीं. देखो जैक भी सो रहा है. ब्रश कर लेता हूँ दोस्तों, शुरू कर देता हूँ तैयार होना, क्योंकि मुझे कपड़े भी कुछ निकालने हैं जो अपने ही लेके जाने हैं मुझे शूट पे. क्योंकि जब हम लोग शूट कर रहे थे कोविड का टाइम था, सो अपने कपड़े लेके जाना इज़ बेटर, क्योंकि आप बाहर किसी दूसरे के कपड़े, कहीं भाड़े के आए हुए कपड़े पहनते हो, उसमें पता नहीं धुले हैं कभी नहीं धुले हैं, कुछ जर्म्स रह गए. तो अब बहुत टाइम पहले मैंने इस शॉर्ट फिल्म के लिए शूट किया था, अब आज जाके उसका कुछ पैच वर्क है, तो आज है और कल भी है. तो मुझे अपने पुराने कपड़े जो यूज किए थे शूट पे वो लेके जाने हैं. अभी मैं YouTube में मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट दिख रहा था, तो किसी ने लिखा था कि सर पेंशन रखो, आपके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे. तो मैंने कहा यार ये पेंशन क्या चीज है, तो मैं गूगल पे चला गया, मैं सर्च किया PENSION, मैंने कहा कोई नई चीज है यूट्यूब के लिए. और फिर वो लिखते लिखते मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक वो मुझे कहना चाह रहा है कि सर पेंशन नहीं, पेशेंस रखो, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे. फक यार, क्या चूतिया आदमी हूँ मैं. दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मेरे नए एयर जॉर्डन 13 वो मेरे पास आ चुके हैं. मैं बहुत जल्द ही इनकी अनबॉक्सिंग करूँगा, आई थिंक परसों करूँगा, क्योंकि 2 दिन तो मेरा शूट है. तो अभी थोड़ा सामान पैक कर लिया जाए. ये है मेरा छोटा सा सूटकेस जिसमें मैं शूट पे सामान लेके जाता हूँ. तो ये वो सारे कपड़े हैं जो मुझे शूट के लिए चाहिए. दाढ़ी वाड़ी बना ली है दोस्तों, तैयार हैं शूट पे जाने के लिए. बस अभी फटाफट नहा लूंगा और फिर तैयार होके निकलूंगा. अगर टाइम रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का हम टॉपिक रखेंगे हाउ आई बिकेम एन एक्टर एंड माई जर्नी फ्रॉम कानपुर टू बॉम्बे. एंड इफ आई गेट टाइम आई शूट इट हियर ओनली एट होम, और एल्स आई शूट इट ऑन द वे एंड आई नरेट माई जर्नी टुडे while shooting and while you know this vlog is happening.
मैं आपको पूरे दिन में मेरी कहानी भी बताता जाऊंगा धीरे धीरे, ओके? सो स्टे ट्यून्ड. बस अब जल्दी से तैयार हो जाएंगे दोस्तों और शूट के लिए निकलेंगे. दोस्तों ज्यादा कुछ यूज नहीं करता हूँ, ये मुझे फ्री में आया था द मैन कंपनी से, तो वही मॉइस्चराइजर मैं दाढ़ी के बाद थोड़ा लगा लेता हूँ. और बाकी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं चेहरे के लिए साबुन वाबुन, तो मैं कुछ सोप या फेस वॉश नहीं लगाता हूँ, हफ्ते में एक या दो बार ही लगाता हूँ. जितना कम फेस वॉश या साबुन लगाओ उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, पानी से धोता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहाता नहीं हूँ, बट जस्ट मैंने सुना है कहीं और जो भी, और मैं खुद से भी सोचता हूँ कि प्रोडक्ट कम ही यूज करूँ. सही है, सही लग रहा हूं क्या? एक्टर्स का एक सही रहता है कि शूट पे उनको कपड़े मिल जाते हैं, तो ज्यादा कपड़े खरीदने नहीं पड़ते. मतलब मैं तो नहीं खरीदता ज्यादा कपड़े, यूजुअली आप मुझे देखोगे तो शॉर्ट्स में, गंजी में, क्योंकि शूट पे जाओ तो वो लोग कपड़े दे ही देते हैं. तैयार है दोस्तों हमारा खाना, खाना क्या, नाश्ता हमारा तैयार है. हाय गाइस, तो मैंने 3 अंडे का स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया है और ब्रेकफास्ट में यही करूँगा, इसके बाद तो शूट पे ही जाना है. सोच रहा था कि खाते खाते आपको स्टोरी बता दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल हो पाएगा क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है. चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ मेरी, कि मैं कैसे कानपुर से बॉम्बे आया. तो कहानी शुरू होती है कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, वो म्यूजिशियन हैं, तो उनका जितना भी काम था ऑल हिज लाइफ वाज हैपनिंग अब्रॉड, बाहर विदेश में. उनका जो सेंटर था वो बॉम्बे में था, तो वो यूजुअली अपने काम के लिए बाहर ही रहते थे, साल में 1-2 महीने के लिए आते थे घर. वी एज अ फैमिली वी वॉन्टेड टू शिफ्ट टू बॉम्बे, क्योंकि पापा का सेंटर यहाँ था. वी थॉट कि पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिलेगा, एंड वी कैन लिव हियर एंड बेटर लाइफ हियर एंड बेटर थिंग्स हियर टू डू, बेटर अपॉर्चुनिटीज़. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपना 11th 12th ख़त्म कर रहा था, जब ये सब प्लानिंग हो रही थी. तो मैं जब अपना 11th 12th ख़त्म कर रहा था, मैं कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने कैसे तैसे करके मेरा 11th 12th ख़त्म किया. और मेरा लाइफ में गोल यही था कि मतलब महीने में मुझे पापा थोड़े पैसे दे दें खर्चा करने के लिए, पॉकेट मनी, और मेरी लाइफ निकल जाएगी. मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करता था. सही में मेरा कोई गोल ही नहीं था लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था और उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी परेशान थी कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो वो मुझे पंडित लोगों के पास लेके जाती थी, जो गुरुजी होते हैं हमारे, तो उनसे पूछती थी कि भाई हमारा लड़का क्या करेगा, इस साल उसके मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, पास होगा कि नहीं होगा, लाइफ में क्या करेगा, करियर में क्या करेगा, कैसा करियर होगा, किस चीज़ में, किस फील्ड में जाएगा. उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी, तो उन्होंने बोला कि इसके जो फादर हैं वो एक आर्टिस्ट हैं, ये भी आर्टिस्ट बनेगा. तो होता ना, कुछ चीज़ें आप बचपन में सुन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है. मैं भी गया हूँगा गुरुजी के पास, मैंने सुन लिया, उन्होंने बोला आर्टिस्ट बनेगा. फिर मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, मेरी मम्मी जाती थी तो मेरी टीचर बोलती थी कि आपका लड़का बहुत एक्टिंग करता है, दिन भर कभी पेट दर्द होने की एक्टिंग करता है, कभी सर दर्द होने की एक्टिंग करता है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं, इसको आप एक्टर ही बनाओ, ये तो एक्टर है, दिन भर एक्टिंग करता है, ऐसा ऐसा बोलती थी, मजाक में बोलती थी. वो इसलिए नहीं बोल रही थी कि सही में एक्टर बनाओ, पर मैं सुनता था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में शायद वो बात रह गई. फिर वो समझते थे कि ये लड़का यूजलेस है, मतलब परेशान भी होते थे मेरे लिए कि अब ये बेचारा क्या करेगा, अंशुमन क्या करेगा लाइफ में. तो हम लोग बॉम्बे आ गए, बॉम्बे रहने आ गए, तब तक एक्टिंग का कोई प्लान नहीं था. एक बहुत फनी इंसिडेंट एक्चुअली हुआ मेरे साथ बॉम्बे से जस्ट आने से पहले, कि मेरे पापा हैं जो, उनके एक फ्रेंड है,
वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं चार लोगों को लेकर फिल्म बना रहा हूँ, तो तुम अपने बेटे को भी बोलो ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने ऑडिशन किया, कोई अल पचिनो की स्क्रिप्ट थी, मैंने ऑडिशन किया, उन्होंने मुझे ले लिया, मैं बाली गया शूट करने के लिए, एंड इट वॉज अ स्कैम। दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, लेट मी नॉट गेट इन टू इट। सो आई केम टू बॉम्बे, वैन आई केम टू बॉम्बे, जब मैं बॉम्बे आ गया तो मैंने रियलाइज किया कि यार मैं अपने घर पे अगर बैठा रहूंगा तो मेरे माँ बाप बस यही सोचेंगे कि ये लड़का कितना निकम्मा है। कोई भी केम, मैंने रेस्ट किया होगा। अगले दिन से मैंने गूगल करना शुरू कर दिया कि बॉम्बे में ऑडिशंस कहाँ पर होते हैं, तो उसमें मुझे अलग अलग जगहों के अलग अलग एड्रेस आ गए अलग अलग ऑडिशंस के लिए। कुछ कुछ जगहों पे ऑडिशंस होने वाले थे, कुछ कुछ जगहों पे ऑडिशंस हो चुके थे, पर एड्रेस वही है। आज ऑडिशन हुआ है या कल हुआ है, आगे भी वहीं पर ही होगा, क्योंकि वो जगह होती है ऑडिशंस के लिए। तो वहां से मैंने एड्रेस निकाले। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ लोकल ट्रेन में जाया करता था रोज अंधेरी ऑडिशंस देने के लिए, एड के ऑडिशंस देने के लिए, लोगों को मिलने के लिए। एक चीज थी कि मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मुझे जाते ही मिल जाएगा काम, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी सीख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि भाई ऑडिशन में क्या होता है, एक्टिंग में क्या होता है, करना क्या है, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया है। पर मैं ऑब्जर्व जरूर करता था, मैं अपने आंख कान खुले रखता था, मैं वहां जाता था, बैठता था, मुझे डर लगता था, मुझे नर्वसनेस होती थी, पर मैं वहां बैठता था, मैं देखता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें से कौन सा बंदा है जो अच्छा कर रहा है, और वो अच्छा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जो वो चीज़ अच्छी है। मैं एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया यहीं अंधेरी में, महाड़ा में, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। उसमें हमारे सर थे समर सर और रूपेश सर, उनके अंडर मैंने एक डेढ़ महीने का कोर्स मेरा चल ही रहा था, जब तीन चार महीने का कोर्स है लेकिन एक डेढ़ महीना मेरा जब हुआ था, तो मुझे एक दिन कॉल आया मुकेश छाबड़ा के यहाँ से। अब मुकेश छाबड़ा के यहाँ से मुझे कॉल क्यों आया, क्योंकि मैंने उनको मेरे फोटोज़ ईमेल करे थे। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, फ़ोन से खींचे हुए फोटोज़ भेजे थे, कोई पोर्टफोलियो के फोटोज़ भी नहीं भेजे थे, नॉर्मल फोटोज़ कानपुर से ऐसे ही इधर उधर कहीं खींचे हुए या कहीं क्लास के बाहर खींचे हुए, वो मैंने भेज दिए उनको, अच्छे से भेजे, ऐसा नहीं कि ख़राब फोटो भेज दिया, पर फ़ोन से खींचे हुए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस, लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं पोर्टफोलियो ही कराना पड़ेगा, ये नहीं, वो बात होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, बस बाकी चीज़ें होती जाती है। मैंने वो फोटोज़ भेजी, एक हफ्ते में मुझे कॉल आया, मैं ऑडिशन देने के लिए गया, मैंने ऑडिशन दिया। एक हफ्ते के बाद मुझे फिर से कॉल आया, मैं क्लास में ही था, कि सर क्या आप अपने पूरे बाल काट दोगे। मैंने कहा आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, विशाल भरद्वाज सर की फिल्म करने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, मैंने बोला। उन्होंने बोला ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कि कश्मीर में शूट होगा, फटाफट लॉक हो गया। कुछ दिनों में मैं शूट करने चला गया, और वहाँ पर मैं मिला विशाल भरद्वाज सर से। हमारे जो डीओपी थे पंकज कुमार, वो शिप ऑफ थीसिस के भी डीओपी रह चुके हैं, उनको बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिल चुका है। मेरे साथ तब्बू मैम के साथ, मेरे तब्बू मैम के साथ ज़्यादा सीन्स थे, मैं उनसे मिला, के मेनन सर से मिला, और विशाल भरद्वाज सर की टीम से मिला। जब मैंने उन लोगों को काम करते हुए देखा, और मैंने देखा कि यार ये हीरोपंती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बाल बनाना, अच्छा दिखना, वो सब नहीं है, यहाँ पर कुछ बहुत अलग चीज़ हो रही है, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग हो रही है, यहाँ पर एक अलग तरीके की प्रिपरेशन जा रही है, यहाँ पर एक अलग तरीके का हार्डवर्क और डेडिकेशन है अपने क्राफ्ट को लेकर के। उसने मेरे अंदर जो एक कीड़ा जगाया, उसने मेरे अंदर जो एक स्पार्क जगाया इस चीज़ के लिए, एक्टिंग के लिए, इस प्रोसेस के लिए, कि क्या होता है सेट पे, उस स्पार्क ने मुझे एक्साइट कर दिया। एंड दैट्स व्हाट आई लुक फॉर नाउ, दैट एक्साइटमेंट, कि सेट पे जाऊंगा, वहां पर क्या होगा, नए लोग होंगे, नई स्क्रिप्ट होगी, कैसे करूंगा एक्टिंग, कैसे करूंगा, नई तरीके से करूंगा, अपने आप को और बेटर करता रहूंगा। एक्टिंग के साथ साथ आई लाइफ की लर्निंग्स, और वो बहुत जरूरी है, जिंदगी की लर्निंग्स वो बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए, एक्टिंग के लिए लाइफ, लाइफ के लिए एक्टिंग, ये दोनों साथ में चलती रहती हैं। आप बढ़िया जिंदगी एक जीते हो, लाइफ को सीखते रहते हो, हमेशा मरते दम तक आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। तो ऐसे करके मैं बॉम्बे आया, ऐसे मैंने एक्टिंग शुरू करी, मैंने हैदर करा, उसके बाद मैंने चैनल वी के लिए एक शो किया ये जवानी तारा रीरी, उसके बाद मैंने एक शो किया एमटीवी के लिए वॉरियर हाय, उसके बाद मैंने एक शो किया लाइफ ओके के लिए नागार्जुन एक योद्धा। उस समय पर ना मैं छोटा था, मैं हर चीज़ करना चाहता था, आई वॉज ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स, मुझे पैसे भी चाहिए थे, क्योंकि मैं कोई ऐसे बहुत बड़े घर से तो नहीं आता हूँ कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। वो जितने सपने देखे थे बचपन में, होता है ना कि यार ये वाली बाइक लेनी है या ये वाली गाड़ी लेनी है या ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो जब मैं नया नया पैसे कमाने शुरू करे तो मैंने अपने सारे शौक पूरे करे। आई स्टार्टेड यू नो विजिटिंग प्लेसेस, गोइंग टू प्लेसेस आई लव, एंड ट्रैवलिंग, एंड बाइंग अ कार फॉर माई सेल्फ, बाइंग अ फोन फॉर माई सेल्फ, और व्हाटएवर। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, राजश्री फिल्म्स के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। मैंने एक फिल्म करी हम चार,
जिसमें मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे डायरेक्टर, एक्टर्स तुषार पांडे, प्रीत, सिमरन, सब लोग, सब इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दोस्तों जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए देखो, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी मोटी पतली ऐसा नहीं होता, मज़ा आना चाहिए। मैं वही ढूंढता हूँ, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ मुझे मज़ा आना चाहिए, मुझे इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, जब मैं लोगों से मिलूँ मुझे मज़ा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यार जिन लोगों के साथ मैं काम करने वाला हूँ उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने मेरी जर्नी में अभी बहुत कुछ नहीं किया है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है इरफान खान सर। व्हेन ही पास्ड अवे आई रियलाइज्ड कि इरफान सर को लाखों करोड़ों लोग मिले भी नहीं है ज़िंदगी में, पर फिर भी उन्होंने आंसू बहाया जब व्हेन ही डाइड, उन्होंने वो इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों पे। मैं वैसा एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहता हूँ आप सब लोगों पे। अब मैं गाने भी लिख रहा हूँ और उन गानों को लिखने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, उसमें मैं कोई अनशंड बातें नहीं है, उसमें सब कुछ रियल है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने लाइफ में देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी स्टोरी है, जिन चीज़ों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिन चीज़ों के लिए मैं इंस्पायर्ड करना चाहता हूँ। एक आदमी के लिए ऑनेस्ट होना, रियल होना, ये दो चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, फेम के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कम लोग हैं जो भाग रहे हैं। मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ या मैं कोई बेस्ट इंसान नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए आप लोग मुझे बता देना, मैं सुधार दूंगा। कभी मुझे लगे आपसे कोई गलती हो गई तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग सुधार लेना। ऐसे ही हम एक दूसरे की मदद करके ही एक बेटर वर्ल्ड, जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, जो हम सोचते हैं कि भाई एक बेटर वर्ल्ड हो, उसमें यही है। तो ये है मेरी मोटी मोटी जो भी जर्नी है। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग मुझे पूछो, एक्टिंग के बारे में पूछो, मेरी लाइफ के बारे में पूछो, और जिस भी चीज़ के बारे में पूछना है पूछो, मैं आपको जो भी चीज़ों के जवाब दे पाऊंगा मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं उसके जवाब अच्छे से दूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज हु वॉच मी परफॉर्म, हु लव मी एंड हु सपोर्ट मी एंड दिस सिटी मुंबई एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स आंचल, एवरी वन। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरी वन हु people, everyone who is there on this journey with me, this life journey, and I am there with you. We'll share our happy moments, our sorrows, and that's what life is all about, yaar. Agar aaj thoda seene mein bahari lag raha ho to jaake apne ghar pe kisi ko hug kar lena, ghar pe logo ko kiss kar lena. Main apne personal experience se bata raha hu ki kitni baar hum apne mummy papa ko hug karne mein sharmate hain aur ek wo ek distance hota hai, but break it, jaake kar do aaj. और ऐसे ही रोज रैंडमली कर दिया करो कभी कभी, तो अच्छा भी लगेगा। चलो अब हम लोग निकलेंगे शूट के लिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लव यू। दोस्तों वैसे मैंने आप लोगों से बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ शूट पे, पर मैं यहीं बारिश के मज़े ले रहा था, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा थोड़ी देर व्लॉग नहीं बनाता हूँ, कैमरा साइड में रख देता हूँ और बारिश के मज़े ले लेता हूँ। बाय जैकी, व्हाट, बाय, शूट पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, थोड़ी देर में आंचल भी आ जाएगी, ओके, आई विल मिस यू। ऑल सेट दोस्तों, चले शूट पे। मस्त हो रहा है यार मौसम तो। दोस्तों एक ये गाना है यार, मैंने अभी ग्रहण जो एक शो देखा था उसमें गाना है चोरी चोरी, बहुत ही प्यारा गाना है। मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में या अपने इंडिया में मतलब ऐसा कोई गाना सुना है, चलना है वो मैं आपको सुनाता हूँ वहाँ, क्योंकि लगा तो सकता नहीं हूँ बैकग्राउंड में। चाहे कोई भी गली तुम चुनो, प्रीत मिल जाएगी जी रास्ते, जैसे सरकारी कागजात सब आ ही जाते हैं जी हाँ पते। मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं एक ही जहाँ जाना होता है ना उसी के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, क्योंकि मैं टर्न ही लेना भूल जाता हूँ, कभी यू टर्न भूल जाता हूँ, कभी कुछ भूल जाता हूँ, मेरा टर्न रह जाता है, फिर वहीं दो चार बार घूमता हूँ फिर जाके पहुंचता हूँ।
अभी वापस में किसी गलत बिल्डिंग में चला गया था, शूटिंग सामने हो रही है वहां पर। सही है दोस्तों, आ गए, पहुंच गए हम लोग, जाएंगे अभी अंदर, देखेंगे क्या हो रहा है। किधर जाना है मेरे भाई? दोस्तों रेडी हो गया हूँ, मेकअप कर लिया है, बाल बना लिए, कपड़े पहन लिए, अभी दादा आएंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, छाता लेके आएंगे तो ताकि कपड़े भीग ना जाएं सेट पे जाते जाते, फिर ऊपर जाएंगे और शूटिंग करेंगे। सी यू गाइस। आराम से यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। कैसे मेरे भाई, क्या हाल चाल? ब्लॉग बना रहा हूँ। हाय बोल दो सब लोग, बोल दो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बोलो बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। यस धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत तुम्हारा यार। प्रोड्यूसर सर है, माई बाप लखनऊ से, ऊपर से फिर तो क्या ही कहना है। तो जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, सर का ईमेल आईडी दे दूंगा, अपना ऑडिशन ऑडिशन या फोटो वोटो भेज दो, है कि नहीं? और सर जो है मासूम चेहरे ढूंढ रहे हैं, जो अंदर से एकदम हरामी हो एकदम, तो अगर वैसी क्वालिटी है तो भेजो। है? अरे सर सर उनकी स्मेल आ रही है, आई एम सो सॉरी सर। कैसा लगा यार थप्पड़ का गेम? आई एम सो सॉरी यार मिष्टी। तूने मुझे पहले सिखाया नहीं ना कि कैसे मारना है, पहले ही अगर बता दिया होता तो इतने जोर जोर से थप्पड़ नहीं पड़ते। अभी हो गया, अभी हो गया, मेरे तो ज्यादा जोर से पड़ी है। दोस्तों वेटिंग चालू है, अपना एक शॉट बचा है, उसके बाद पैकअप हो जाएगा। बाय मिष्टी, बाय बाय, सिर्फ बाय, सिर्फ ब्लॉग आई कीप मेकिंग एवरी डे। Okay, and you want me to say bye like this? You're so pretty. Oh, thank you. I've just seen how his vlog is saying, I'm looking pretty. I'm a big fan of. Oh, thank you, man. You're very beautiful. Please. everyone is aware of it. Bye. Sir, bye. Bye, guys. Bye. घर जा रहे हैं। ज्यादा आज कुछ काम नहीं था, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं थी, बढ़िया फटाफट शूटिंग हो गया। अभी घर जाएंगे, घर जाके चिलिंग करेंगे, वीडियो को एडिट करेंगे, बस बाय। हाँ कुछ था नहीं ज्यादा, बस एक ही थप्पड़ मारना था लड़की को। हाँ जोर से मार दिया तो वो गुस्सा हो गई ब्रो। क्या बात कर रहे हो? मेरे से नहीं डायरेक्टर से। क्या बोली कि अभी एक बार और अगर लेना है तो बस दूर से ले लो, वरना दोबारा मत लो, मेरे को कल भी शूट है। मिष्टी फिर मेरे को भी मारी 3-4 थप्पड़ जोर से। हाँ जब सीढ़ी उतर रहे थे तो पेल दिया, कहती है क्या। लेट्स आस्क आंचल, हाउ वाज हर फर्स्ट डे एट जॉब, एट अ न्यू जॉब प्लेस? इट वाज ग्रेट। रियली? या आई हैड अ लॉट ऑफ फन। डिड यू डू एनीथिंग देयर? या आई डिड, व्हाट द फक। What did you do? What? I wrecked two cases. I sat on some cases. And yeah. Jaggi Shoni. Yeah. This is animal abuse. Don't do it. Please, yeah. It's coming out. The mushroom. Hi guys. अभी shoot से वापस आ गया हूँ मैं. लेकिन अब घर की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, है ना आंचल? Yes. तो बस अब रात का खाना बनाऊंगा, बहुत मेहनत करता हूँ मैं यार, दिन रात खाना बनाता हूँ, लंच बनाता हूँ, काम पे भी जाता हूँ। तो यस गाइस, हम बनाने वाले पनीर पराठा, और पनीर पराठा की खास बात यह है कि मैं हर बार पनीर पराठा बनाने में फेल हो जाता हूँ, तो आज हम फिर से ट्राई करेंगे, देखते हैं अगर हम पास हो जाते हैं कि नहीं। चलो डालो। दोस्तों पनीर ग्रेट कर लिया है, इसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पनीर को ग्रेट कर लिया था, इसमें लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, नमक, थोड़ा सा जीरा,
मिर्ची दो और नहीं दो मिर्ची बहुत है इसमें, और ये क्या कहते हैं धनिया भी काट के डाल दिया है, अब इसको मैं मिक्स कर लूँगा दोस्तों। इसको फ्रिज में रख देंगे, वही सीक्रेट एक है, क्योंकि ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और आपस में चिपक जाता है तो फिर जब हम इसको बेलते हैं पनीर को तो फिर वो फटता नहीं है उतना। केचप के साथ खाने में जो मजा आता है पनीर पराठा, वाह 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 वाह। दोस्तों हम यही बनाते बनाते खड़े खड़े ही खा गए सारे पराठे। Hi, little.